दीपक जोशी ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ली सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सदस्यता कार्यक्रम में रहे मौजूद। दीपक जोशी अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की फोटो लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यालय। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फोटो पर किया माल्यार्पण। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। दीपक जोशी ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ली सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सदस्यता कार्यक्रम में रहे मौजूद। दीपक जोशी अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की फोटो लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यालय। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फोटो पर किया माल्यार्पण। सर, आपने ये कहा मुख्यमंत्री आपको भाई मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते उन्हें भाई। देखिए, भाई का स्वभाव परिवार में भाई जैसा होना चाहिए। अब लगता है कि बहुत बदल गए। आज की स्थिति में मुझे लगता है कि उनको जिस प्रकार का काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका, अकांड। नेताओं की स्थिति यह है कि कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं सकते। आज पार्टी को एक हाईटेक पार्टी के साथ साथ एक ऐसा पार्टी का लेवल दे दिया सामान्य कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन आपके फैसले में आपके बेटे साथ नहीं, आप कह रहे बीजेपी भ्रष्टाचार करता है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं पार्टी में रहूंगा। देखिए, बेटा मेरा साइबर लॉ में डिप्लोमा करके इंजीनियर है, क्योंकि अभी युवा है, युवा होने के नाते उसकी सोच, क्योंकि ये फैसला मेरा 4 दिन के अंदर हुआ है। मैं कह रहा था पार्टी को लगातार कि आप जोशी जी का स्मारक बनवा दीजिए, जोशी जी यहाँ के सांसद रहे हैं, कि उनके नाम से कुछ नामकरण कर दीजिए, भोपाल में, देवास में कर दीजिए। 5 दिन से लगातार गुहार लगाने के बाद भी जब उन्होंने एक भी चीज़ नहीं की, तब कल शाम को 7 बजे मैंने ये फैसला लिया है। बेटा क्योंकि मेरे उससे सवाल नहीं हो पाए, लेकिन उनको सच्चाई। सर, ये बंगला बड़े भाई साहब को मिला था क्या? ये बंगला भी बड़े भाई साहब भी खाली कर रहे हैं क्या? मेरे बड़े भाई विकलांग है बचपन से, और उनको मैंने सरकार द्वारा ये बंगला उस वक्त कहा गया था कि आपको वही रहना है, आप रहेंगे। रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी में बीजेपी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई, 5-5 प्रभारी हो गए, कोई क्या चला रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, बीजेपी में भी पार्टी छोड़ा था। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, बीजेपी समर्थित सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, यहाँ अपने सुरेंद्रलाल जी पटवा जी की सरकार थी, उस समय में किसी कारण से आहत हुआ था और पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। कुशलराव ठाकरे जो हमारे बहुत बड़े नेता रहे बीजेपी के, हम तो कहेंगे विश्वस्तम्भ, उन्होंने मुझे फोन लगा के लखनऊ से कहा क्या कि क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो मुझसे फोन लगा के बोला कि मुझसे कोई चर्चा की तुमने या कि बात की? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बात की। बोले कल तक मेरा रास्ता देखो, मैं थोड़ा नीचे करो। सुबह पुष्पक से वो आए, ये बगल में कर ली था हमारे, इस बगल के बगल वाला बंगला जो प्रभात जी का बंगला, उसमें कार्ले में आए। आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन लगवाया कि मैं आ गया हूँ, अभी मिलना है या मैं नाश्ता पानी कर लूँ उसके बाद। तो मैंने कहा नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद मिलूँगा। ठाकरे जी के समक्ष जाते ही मेरे आंखों में आंसू के अलावा कोई चीज़ नहीं थी कि एक इतना बड़ा नेता आज मेरे जैसे आदमी से कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, जो कहीं ना कहीं आहत था, उस आहत को दूर करने के लिए, जब मुझे समझाई देने के लिए बैठा है, तो बीजेपी के नेताओं को ही काम करना था। सर, ये कहा मतलब अब जो है वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, अब ये माना बिल्कुल कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी। सर, कांग्रेस के जो नेता हैं देवास को, उनके साथ कैसे समन्वय बिठाएंगे, जैसे सज्जन सिंह वर्मा और राजवीर सिंह बघेल, वहाँ पे भी राजवीर सिंह बघेल। देखिए, मैंने साफ कह दिया मैं कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का हिस्सा नहीं लूंगा। कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जिसने, मैं तो उस राजनीति से, मेरे पिताजी ने, याद करो आप, जब उमा जी को टिकट दे दिया, उनका टिकट काट दिया गया था, उनसे कहा गया था खंडवा से चुनाव लड़ो, उन्होंने कहा नंद कुमार सिंह चौहान की क्या गलती। मैं खुद 8 में कन्नौज से टिकट चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने समझाई दी थी उनकी क्या गलती कही कि आप उनका टिकट काट रहे हो। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता 4.5 साल से काम कर रहा है, उसकी जगह मैं उसका हक मार के अगर बैठूं तो ये ठीक नहीं। लेकिन और मैंने कहा कि मैं कांग्रेस में कोई झगड़ा ऊपर कर ले हाथ, लेकिन आज मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, यदि पार्टी को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ाना है तो मैं बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी देवास की किसी जिले से नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। सिंधिया जी के आने के बाद से बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए, सिंधिया जी का आना जो भी है पार्टी का अपना निर्णय था, लेकिन सिंधिया जी के पहले ही 18 के बाद से पार्टी में बिखराव शुरू हो गया था। नेतृत्व जो है वो कार्यकर्ता की चिंता नहीं कर रहा था। कार्यकर्ता की चिंता किए बिना, एक तरफ हम कहते कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, वो पूंजी धीरे धीरे घटती जा रही थी और उधारी बढ़ती जा रही थी, और उसकी स्थिति आप देख रहे हो कि आज पार्टी की सारी पूंजी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है।
आने वाले समय में हो सकता है ये दिवालिया हो जाए। आपकी मुलाकात वरिष्ठ नेताओं से हुई, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से भी हुई, तो क्या उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, मेरे को कोई निराकरण मिल जाता तो मैं विचार करता, लेकिन मुझे निराकरण नहीं मिला। तो मैंने शाम को मेरी पत्नी का देहावसान हुआ था, हवन पूजन के बाद 5 से 6 7 बजे तक मैंने 2 घंटे और रास्ता देखा, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो मैं आज कांग्रेस के साथ मेरे पास तो विधायक है, एक दिन एक विधायक आया कहता मेरे पास, मुझे आज 5 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा किस लिए मिले? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा गया कि 20 करोड़ मिलेंगे, 5 मुझे हाथ दिए और वो आगे बताएंगे। तो मैंने कहा मौज करो क्या? तब मैंने मन में सोचा शायद ये हवाबाजी कर रहा है। मैंने पूछा पैसे संभाल के रखा? हाँ थे तुमने? कहता मैं मोटर में है, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आपके पास जमा कर दूँ। इसीलिए आया था कि उसको पता नहीं था वो कहाँ जमा है। कई विधायकों जो गए उनके प्रतिनिधि मेरे पास आए कि जी ये है ये पैसा उन्होंने हमें भिजवा दिया, वो तो बेंगलोर में है हमें भिजवा दिया, हम कहाँ रखें? लेकिन मैं सौदा नहीं करता, मैं सौदे से अपनी कुर्सी नहीं करता बचाना चाहता। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। वो पहचान जो मध्य प्रदेश की मैं चाहता हूँ वो विश्वास की, एक सम्मान की पहचान हो, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं सौदा का सब करता हूँ अपनी कुर्सी बचाने, और कुर्सी बचाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आज मैंने बात मेरी बात बता दूं तो दीपक जी आप कि क्या उम्मीदें हैं मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ हमारी क्या उम्मीद है। हमारी उम्मीद है कि आप जैसे और आपके परिवार जैसा हमसे जुड़े हैं आपके संदेश पूरे प्रदेश में कराएंगे, ये संदेश आपके जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं पदयात्रा कर दूं। और सबको सब तक ये बात पहुंचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और आपका केवल हम स्वागत नहीं करते, आपके और आपके परिवार सदस्यों का हम सम्मान करते हैं, हम राज्यपाल बघेल का भी सम्मान करते हैं कि इन्होंने ऐसा फैसला किया। मुझे फैसला कर रहे हैं क्या? देखिए ये जो फैसला आप कहेंगे प्रदेश के हित में करेंगे, ये एक बात बता दू। मैं सबसे कहता हूँ जो टिकट आरती होते हैं, ये तो टिकट आरती नहीं है, अगर उनको कहीं से लड़ाना है मुझे दबा के इनको लड़ना पड़ेगा। तो ये फैसला हमारे स्थानीय लोग करेंगे, ये जो परंपरा है कि इसकी सिफारिश उसकी सिफारिश इसका दबाव, ये सब जानते हैं कि मुझे कोई दबाने वाला या पटाने वाला नहीं है। वो कहेंगे जो कहेंगे जो मध्य प्रदेश के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।